प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खुल गई है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद दादरी शहर की कई कॉलोनियों में बुरा हाल है। हालात ऐसे बने हैं कि यहां किसी भी रास्ते पर पैदल चलना मुश्किल हो गया है। शहर में जगह जगह जल भराव का आलम है। जिला प्रशासन आज तक शहर में पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं कर पाया है। वहीं सीवरेज की ठप व्यवस्था पर सरकार के साझेदार पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने सवाल उठाते हुए कहा कि दादरी जिला का तो सिर्फ राम रखवाला है। 7 वर्ष के दौरान सरकार सही प्लानिंग के तहत कार्य नहीं कर पाई। प्रशासनिक अधिकारी सफाई के बड़े बड़े दावे करते नहीं थकते थे, लेकिन शहर में सीवरेज की जो व्यवस्था बनी हुई है, शहर की सूरत को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये जिला मुख्यालय है। यहाँ पर सफाई के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। शहर के नाले में नालियाँ गंदगी से लबालब हो रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में तो सीवर के गंदे पानी की निकासी न होने के कारण लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। हालांकि कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कई सालों से कोई समाधान नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता नितिन जांगू ने कहा कि गंदे पानी से लोग इतने परेशान हैं कि ना तो जी सकते हैं ना ही मर सकते हैं। अधिकारियों को शहर की समस्याएं नजर नहीं आ रही। जिला मुख्यालय होने के बाद चरखी दादरी का यही हाल है। दिनों दिन बदतर हालात होते जा रहे हैं और अधिकारियों को होश तक नहीं। वहीं पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने कहा कि दादरी का तो सिर्फ राम रखवाला है, यहाँ अधिकारी कार्य करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। अगर ऐसी ही हालत रहे तो जनता को सड़कों पर उतरना होगा। छलटी डलवाज जाते पास हमारे डली में ये डंडा पानी है जी, लास्ट रास्ता नहीं है जी आने जाने का। हमारे डलों में ये पानी जा रहा है सर जी। इसका विकास ऐसे सल्टालय से बोल दिया, विकास स्थल दिया, कैसे विकास थे जी? ये पानी ठडा रहा है, सिवल भले पड़े सभी लाइन बंद है जी। गठबंधन सरकार और भाजपा सरकार को 7 साल हो चुके हैं बने हुए, और दादरी को जिला विभाग 5 साल हो चुके हैं। और आपको पता होगा पिछले जब यहाँ मानसून आई थी उससे पहले भी दादरी की सीवर पानी की निकासी का जो बुरा हाल है शायद ही किसी हरियाणा के शहर का होगा। उसके लिए दादरी की जनता ने इकट्ठे होकर एक जन आंदोलन समिति बनाई, और उस जन आंदोलन समिति का संयोजक जनता ने मेरे को बनाया। उसके अंदर हर बिरादरी के साथी, पार्षद साथी और शहर के सीनियर सिटीजन भी उसके अंदर शामिल हैं। उन्होंने लगातार जनता हर हफ्ते उन्होंने अपना जो दादरी के लाजपत चौक के ऊपर हफ्ते उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। मैं अभी आए थे ना, अब जो बैठे थे 5-10 मेरे सैनिक भाई, इनके भी पानी कल भरा था, आज भी भरा है। यहाँ जो है ना, आप श्यामेश्वर के पास देख लो, कोई जगह तो नहीं जहाँ गंदा पानी ना भरा हो। मैं तो कह कह के छकलिया, चीफ मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिख गया, ये कहते हम बड़ा जो है ना बहुत ही जो प्रगति पर है दादरी, प्रगति पर हुआ। कहाँ से प्रगति है, मेरे को तो नज़र आया नहीं। चारों तरफ जो है ना पानी पानी जो है ना रुका हुआ है, कैसे पार पड़ेगी? लोग जो है ना बुरा हाल है, ना घर में निकलने का, ना पीने का पानी भी खराब हो गया जो है ना। तो क्या 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 प्रगति हुई जो पानी पीने पानी ही नहीं निकलवा सकते? मैंने तो 1.5-2 महीने तो पहले निकाले, रो रो के सब के आगे चीफ मिनिस्टर को चिट्ठियाँ भी लिख चुका, बार बार चिट्ठी लिख चुका, पर पता नहीं क्यों नहीं परवाह करते। दादरी को कोई मानता है कि नहीं मानता है, कि ये हरियाणा का हिस्सा है कि नहीं है। 7 साल में इनका ध्यान ही नहीं, अब ये बताओ।